गले मिलके होती थी कभी ईद भी, अब हालात ये हैं कि डर डर के गले मिलते हैं लोग। आइए आपको बताते हैं, उपनगर बढ़लगंज में जिस ईद पर जामा मस्जिद पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज वहां केवल सन्नाटा था। ईद का त्यौहार लॉकडाउन की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घरों के अंदर ही ईद की नमाज अदा कर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ऊपर वालों से दुआ मांगी और ईद का त्यौहार मनाया। ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के छोटे बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। ईद का त्यौहार मुस्लिम समाज के लिए सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। देश और समाज के हित में इस समुदाय के लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का 100% पालन करते हुए देश को यह संदेश दिया कि कोरोना वायरस महामारी के संकट से उबरने के लिए हम अपने आप को बचाते हुए अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करें, यही हमारा धर्म है। देश के हित में, समाज के हित में तथा एक दूसरे से गले ना मिलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन के नियम कायदों को मानते रहें। सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज़।